हेलो स्टूडेंट्स, चलो एक्सरसाइज 2.1 में आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 8। माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। ठीक है, दोनों फ्रेंड है उसका, एक सेम पिक्चर, देखो सेम एक पिक्चर है, उसको कलर करने के लिए टाइम कितना लगता है वो बताया गया है। तो माइकल जो था उसको 7/12 आवर लगता है और वैभव जो था उसको 3/4 आवर लगता है। वो वर्क लॉन्गर, यानी कि कौन ज्यादा टाइम तक काम करेगा, बाय व्हाट फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन से ज्यादा काम करेगा, एंड व्हाट इज द लॉन्गर, बराबर कितना देर तक ज्यादा काम करेगा, हमें वो डिफरेंस भी फाइंड करना है। चलो, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिंपल है बहुत ही। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइकल को फिनिश करने के लिए कितना टाइम लगेगा, चलो माइकल के लिए सबसे पहले टाइम टेकन बाय माइकल, तो माइकल कितना टाइम लेता है, 7/12 आवर। ठीक है, वैभव कितना टाइम लेता है, तो टाइम टेकन बाय वैभव के लिए कितना टाइम है, 3/4 आवर। ठीक है, हमें दोनों का टाइम मिल गया। अब ध्यान से देखो डिनोमिनेटर को, अगर आपको दोनों को कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, यहाँ पे नहीं है, 12 एंड 4 है, तो सिंपल है, 4 को 12 बना सकते हैं डिनोमिनेटर में। ध्यान से देखो, यहाँ पे 12 है, दोनों सेम होने चाहिए, तो 4 को हम 12 बना सकते हैं, 4 3 12। ठीक है, चलो तो कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्टिंग दिस फ्रैक्शंस इनटू लाइक लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि सेम फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है जिसके डिनोमिनेटर सेम हो वैसे। तो 3/4 को ऊपर एंड नीचे दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 3 9, 4 3 12, देखो यहाँ पे 12, एंड दूसरा तो सेम था ही, 7/12 हो गए, लाइक फ्रैक्शन दोनों जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो, 9 इज ग्रेटर देन 7 होगा, तो 9 वाला पार्ट किसका था, वैभव। ठीक है, वैभव के लिए 3/4 टाइम लगता था वैभव के लिए, तो 3/4 को कन्वर्ट करके हमें क्या मिला था, 9/12। 9 वाला पार्ट बड़ा है, यानी कि वैभव को ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो वैभव वर्क वैभव ज्यादा काम करेगा कितना, तो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, डिफरेंस कितना आएगा, वैभव ज्यादा टाइम लेता है यानी कि बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करो, तो 9 - 7 ऊपर हो जाएगा, नीचे कॉमन डिनोमिनेटर, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, डिनोमिनेटर में 12 तो है ही, चलो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 2, 6 2 12, तो 2 2 कट, आंसर बचा 1/6 आवर्स। यानी कि वैभव को 1/6 आवर्स ज्यादा टाइम लगेगा कलर काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है। अब सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज थियरी है आपके लिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस।
मुझे ध्यान से समझना ये, ताकि आपको आगे वाली एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.2 उसमें समझ में ज्यादा आए। अभी तक हमने एडिशन समझ लिया था, अब हमें क्या सीखना है, तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन कैसे किए जाते हैं। तो एक चीज याद रखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चलो 1/4 जो है, ठीक है, सेम यही नंबर हम उसमें ऐड करना चाहे 1/4 + 1/4, तो सिंपल है, इसका एडिशन कैसे होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा ऊपर 1+1 यानी कि 2/4, ठीक है। अब ये आपका आंसर आया। अगर आप सोचो सेम नंबर है, जैसे कि अगर मैं 5+5 करूं, देखो सेम नंबर, तो आप 5+5 की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो 5+5 = 10 होगा। अब 5 कितनी बार है, दो बार, यानी 2 5 = 5, देखो 5 2 = 5, 2 टाइम अगर लोगे तो भी आंसर सेम मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम नंबर था 1/4, तो उसे मैं 2 टाइम ले लूँ तो भी आंसर तो मेरा सेम आएगा। अब अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो फ्रैक्शंस के साथ तो क्या करना होता है, तो न्यूमेरेटर का न्यूमेरेटर के साथ, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन किसका किसके साथ करना है, तो न्यूमेरेटर का न्यूमेरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। यानी कि यहाँ पे न्यूमेरेटर में 2, यहाँ पे 1, 2 1 = 2, डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, 4 1 = 4, देखो सेम आंसर मिला हमें। तो बच्चों मल्टीप्लीकेशन जो है फ्रैक्शंस के लिए वो बहुत ही सिंपल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से भी। क्यों, अगर सपोज आप अभी जो ऊपर वाला हमने क्वेश्चन देखा, ठीक है, जिसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है 9/12, तो चलो हम वही नंबर ले लेते हैं 9/12 - 7/12। अब ये नंबर कॉमन डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा 9 - 7 और सिंपली आंसर आ जाएगा 2/12, ठीक है। अब अगर जब डिनोमिनेटर सेम हो तब तो आपके लिए ये इजी है, लेकिन अगर कुछ इस तरह का हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 12, तो ये प्रोसेस देखो कितनी बड़ी हो जाती है। तो 3 3 = 4 3 - 7/12, तो 9/12 - 7/12 एंड फिर कितना बचा 2/12, सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी जगह सब्ट्रैक्शन की जगह अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, 3/4 × 7/12। चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं, तो वो एक प्रोसेस हमारे लिए पूरी बढ़ जाती है। लेकिन बच्चों मल्टीप्लिकेशन में बहुत सिंपल है, न्यूमेरेटर का न्यूमेरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। यानी कि 3 7 = 7, डिनोमिनेटर में कौन आएगा 4 12 = 12, ठीक है, कट हो सकता है तो कर लो, 3/12 है तो 3 4 = 12 हो गया, यानी कि अब बचा कौन 7/4 4 = 16, ये आंसर। यानी कि मल्टीप्लीकेशन कितना सिंपल है, न्यूमेरेटर को न्यूमेरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ गया बच्चों। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।